ये कल यानी कि 4 जून को तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के सबसे आखिरी पड़ाव में कल होनी है मतगणना, जिसकी तैयारी हर पार्टी कर रही है। बीजेपी ने भी इसे लेकर अपनी विशेष तैयारी की है। खबर तो ये भी है कि कल नतीजों के बाद अगर बीजेपी की जीत हुई तो प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में एक भव्य रोड शो कर सकते हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बस कुछ पल का इंतजार, जब सबसे बड़े लोकतंत्र का जनाधार देश के सामने होगा। 76 दिन की चुनावी प्रक्रिया के बाद देश को मिलने जा रहा है देश का प्रधान, जिसके कंधे पर 140 करोड़ जनता की बागडोर होगी और इसी कमान के लिए सियासी घमासान मचा है। यूपी के कोने कोने में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हवन पूजन हो रहा है और पीएम मोदी के लिए जीत की प्रार्थना की जा रही है। मतगणना से पहले दिल्ली में राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बड़ी बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये भी है कि चुनावी नतीजों के बाद की बड़ी तैयारी हो रही है। जीत हुई तो मोदी भव्य रोड शो करेंगे। पीएम आवास से बीजेपी ऑफिस तक रोड शो होगा। लाखों लोग इस रोड शो में आ सकते हैं। पीएम मोदी का अभिनंदन हो सकता है। बीजेपी का दावा है कि चुनावी परिणाम उनके पक्ष में आने वाला है और फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये पूरा भारत मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने इस नए भारत के शिल्पकार को जिता रहा है। हर माँ, हर बहन, हर लाभार्थी, हर वो गरीब तबका, हर वो रोजगार तबका, जो रोजगार पाया और वो बेरोजगार तबका जिनको विश्वास है कि अब हमको नया रोजगार मिलेगा, मेरे विश्व के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता देंगे, तो एक ऐतिहासिक वोटिंग होगी। क्योंकि पूरे विश्व की नजर है कि पहली बार विश्व में एक ऐसा चुनाव हो रहा है कि 26 दल एक अकेले व्यक्ति को रोकने के लिए, विश्व के सबसे बड़े नेता को रोकने के लिए आए। कानून का राज्य, सपा बसपा कांग्रेस के शासन में गुंडागर्दी होती, भ्रष्टाचार होती है, तो आज राज्य के अंदर अपने को लोग महसूस नहीं करते थे। तो एक तरह का कानून का राज्य है, तो जिसके कारण जनता जनार्दन ने उसको स्वीकार किया कि आज मैं सुरक्षित महसूस करता हूं। दूसरा है कि 14 के पहले देश के अंदर बम फटते थे, असुरक्षित लोग महसूस करते थे, श्रीनगर चौक से लेकर संसद भवन, ताज होटल, संकट मोचन हनुमान मंदिर, काशी में कोर्ट में, कचहरी, हर जगह बम फटते थे। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद कोई बम नहीं फटता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नतीजों के बाद बीजेपी की जीत हुई तो नई सरकार का शपथ ग्रहण नई जगह हो सकता है। शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली के भारत मंडपम, यशो भूमि और कर्तव्य पथ जैसी जगहों को लेकर बीजेपी के नेता फीडबैक ले रहे हैं और मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद बड़े जश्न की तैयारी के लिए इन लोकेशन को देखा गया है। हालांकि फाइनल लोकेशन पर अभी मुहर लगनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वोटिंग शुरू होने में महज कुछ घंटे का वक्त रह गया है और उससे पहले एग्जिट पोल और ईवीएम को लेकर वार पलटवार शुरू हो चुका है। एक तरफ कांग्रेस है एग्जिट पोल को नकार कर रही है, तो दूसरी तरफ ईवीएम पर अभी से सवाल भी खड़े कर रही है। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर बीजेपी 300 पार जाती है तो इसके पीछे जनता का वोट नहीं बल्कि ईवीएम का वोट होगा। वहीं बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को जवाब दे दिया कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। सरकार 400 पार, सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। एग्जिट पोल
पोल के संभावित नतीजे। एग्जिट पोल में एनडीए को बम्पर नंबर, इंडिया गठबंधन की धड़कनें बढ़ा चुका है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही है आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। राहुल गांधी ने पहले दावा किया इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिल रही है, लेकिन वो दावा अब ईवीएम पर शिफ्ट हो चुका है। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। ता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है, और उसके बाद यदि 300 पार है। लेकिन जो संभावनाएं बनी हैं, उनकी वजह से गठबंधन में हड़कंप मचा है। यही वजह है कि सोनिया गांधी ने नतीजों का इंतजार करने को कहा है। सर्वे करने वाली ज्यादातर एजेंसियों ने एनडीए को बहुमत के आसार जताए हैं, यानी एग्जिट पोल लगातार तीसरी बार मोदी सरकार के बनने का इशारा कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और गठबंधन की सीटें ज्यादा आने का दावा कर रहे हैं। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा, और उसके बाद जिन अधिकारियों ने उसमें पैसे बांटते हुए इनके कार्यकर्ताओं को पकड़ा और एफआईआर हुई, और उसके बाद इन्होंने झूठी शिकायत करके भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली में और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाई। एग्जिट पोल की तस्वीर में एनडीए की बल्ले बल्ले हो रही है, और यही वजह है कि बीजेपी का एक एक नेता विपक्षी गठबंधन को घेरने में जुट गया है। साथ ही परिणाम से पहले ईवीएम पर मचे घमासान की आलोचना हो रही है। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है, और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। आज एग्जिट पोल अगर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के रुझान दिखा रहा है तो उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। पहले तो उन्होंने शायद बहिष्कार ही किया कि हम एग्जिट पोल के जो चर्चा होगी उसमें भाग ही नहीं लेंगे, बाद में आलोचना हुई कि सोशल मीडिया पे तो उन्होंने निर्णय किया, तो वो तो दुविधा में है, वो कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं है कि हमें क्या करना है आगे। विपक्ष का ईवीएम राग पहली बार नहीं, बल्कि तमाम चुनाव में जब बीजेपी की जीत होती है तो ठीकरा ईवीएम पर फूटता है। ऐसे में एक बार फिर ईवीएम को जिम्मेदार ठहराने की तैयारी से पहले फाइनल परिणाम का इंतजार तो जरूर ही कर लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एग्जिट पोल का नंबर फिलहाल बीजेपी के फेवर में है, लेकिन सियासी फीवर कांग्रेस पर चढ़ चुका है। विपक्ष के नेता एग्जिट पोल को गलत बता रहे हैं और 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अगले कार्यकाल की तैयारी शुरू कर चुके हैं। मोदी अगले 100 दिनों का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, जिसमें बड़े और चौंकाने वाले फैसले भी वो लेने वाले हैं। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखा। क्या सच में 400 पार का नारा पूरा होने वाला है? अब लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा, एक ही स्वर आपको सुनाई देगा, आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा, और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। क्या सच में राहुल को 40 और अखिलेश को सिर्फ 4 सीट मिलने वाली है? राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू,
कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका चार भी पार नहीं होना है, चार भी। क्योंकि एग्जिट पोल के बाद ही प्रधानमंत्री तीसरे कार्यकाल की तैयारी शुरू कर चुके हैं, अगले 100 दिन के एजेंडे पर मंथन कर चुके हैं, अगले 100 दिन के लिए खाका तैयार हो चुका है, अगले 100 दिनों में कठिन फैसले लिए जाएंगे, सरकार की प्राथमिकता की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। जो नंबर मोदी सरकार ने चुनाव से पहले दिए थे, करीब करीब वही नंबर एग्जिट पोल में भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में जहां पीएम मोदी अगले 100 दिनों का खाका तैयार कर रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन एक दिन पहले ही 4 जून को लेकर बैठक कर चुका है। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस, 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे, ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता 295 सीट का दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी के नेता एक बार फिर मोदी सरकार और 400 पार का भरोसा दे रहे हैं। हम सबकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा सीटें देंगे और एनडीए 400 पार करेगी। इस विश्वास के साथ मैं भारत के इस लोकतंत्र के चुनाव में भाग लेने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पलट जाएंगी और इंडिया गठबंधन पीडीए की लड़नी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। भूचाल आने वाला है? भूचाल नहीं आएगा, भूचाल तो पहले ही था, बेरोजगारी का भूचाल था, महंगाई का भूचाल था, आपकी जीएसटी की मार का भूचाल था, सीबीआई का भूचाल था, ईडी का भूचाल था, इनकम टैक्स का भूचाल था, ये सब भूचाल खत्म हो जाएंगे। क्यूटो में भी चुनाव फंस गया। एक तरफ विपक्ष एग्जिट पोल के आंकड़ों में उलझा है, तो वहीं माना जा रहा है कि देश की राजनीति में 4 जून के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी ने 2 दिन पहले ही इसके संकेत दे दिए थे। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद चौंकाने वाले फैसले करते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश जिन फैसलों पर चौंकता है उसके संकेत वो काफी पहले से देना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर मोदी कहते हैं कि अगले 6 महीने में राजनीतिक भूचाल आने वाला है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो भी तब जब एग्जिट पोल के आंकड़े मोदी के पक्ष में हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चरण दर चरण प्रचंड गर्मी के बीच आखिरकार 7 चरणों में हुआ चुनाव संपन्न हुआ और सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। इस बार के चुनावी महापर्व में कई मुद्दे छाए रहे, हर चरण के साथ चुनावी गियर भी बदलता रहा। आखिरी चरण में माहौल शिमला वाली फीलिंग देने लगा था, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। अस्सी सीटें, 7 चरण और प्रदेश में लोकसभा के चुनावी रण में एक से बढ़कर एक सियासी दिग्गज, मुकाबला जोरदार तो मैदान में हलचल भी उतनी ही ज्यादा थी। नेताओं ने बाजी मारने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, शब्द वेदी बाण जमकर बरसे। प्रचंड तपिश और गर्म थपेड़ों के बीच 7 चरणों को भेदता हुआ चुनावी रथ अपने गंतव्य तक पहुंच गया। इस बार के चुनावी महापर्व में कई मुद्दे छाए रहे, हर चरण के साथ चुनावी गियर बदलता रहा और पश्चिम उत्तर प्रदेश से चले बयानों के तीर पूर्वांचल तक पहुंचते पहुंचते चक्रवात में बदल गए। यूपी की कानून व्यवस्था का सवाल शिमला वाली फीलिंग देने लगा। माँ बाप मजबूर होकर बेटियों का स्कूल कॉलेज छुड़वा देते थे, व्यापारी इसी खौफ में जीते थे, अब कौन गुंडा फिरौती मांग ले, कब किसका प्लॉट कब्जा हो जाए, कब किसका खेत चला जाए,
सरकार की जमीन तक पर माफियाओं ने महल खड़े कर दिए थे, लेकिन जब से योगी जी आए हैं माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है भाई। गर्मी कम होना अधिक होना यह तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन इतना मैं जानता हूं बदमाशों को गर्मी के दिन में भी शिमला की ठंड का एहसास कराने का काम उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी ने किया है तो योगी जी ने किया। चरण दर चरण सियासी दलों में बेचैनी बढ़ती गई। हर चरण में एनडीए के तर्कश से नया तीर निकलता चला गया। 2024 की लड़ाई औरंगजेब तक चली आई और उधर अखिलेश यादव सियासत में धुआं धुआं करते दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पवित्र करने का प्रयास किया। इस अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए ये नया भारत है। इस नए भारत में राष्ट्रनायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता है। यहाँ डबल इंजन का इस बार धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है और अगर धुआं थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो ये क्यूटो के लोग मिलकर के दोनों इंजनों का धुआं निकाल देंगे। उनके घिसे पिटे डायलॉगों को सुनना नहीं चाहते हैं। जिन्होंने बहुत कुछ सुनाया और कहा कि अच्छे दिन आएंगे, बनारस वालों जानते होंगे कि उनके अच्छे दिन तो नहीं आए। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बयानों के तीर से रण क्षेत्र का पारा चढ़ता रहा। इसके साथ ही एक बात तो तय थी कि सियासत के केंद्र में सिर्फ मोदी ही चुनावी मुद्दा रहे। पक्ष हो या विपक्ष, सभी की जुबान पर ये नाम छाया रहा। समझ लीजिए, आज जितनी महंगाई है, जितनी बेरोजगारी है, उसकी वजह है क्योंकि गलत नीतियां चल रही है देश में, क्योंकि ऐसी राजनीति हावी हो गई है पूरे देश में जिसके नेता समझ रहे हैं कि धर्म के आधार पर आपसे वोट ले लेंगे हर 5 साल, हिंदू मुस्लिम करके हर चुनाव में जीत हासिल कर लेंगे, सत्ता ले लेंगे, उसके बाद काम करने की कोई जरूरत नहीं है, यही उनकी विचारधारा है। यूपी में सातों चरण में हुए चुनावों में मुद्दों के साथ ही बयानों से उपजी गर्माहट में समीकरण पिघलते दिखे। अब इंतजार है 4 जून के नतीजों का, जो बची तस्वीर भी साफ कर देंगे। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।